कोई भी आदमी जब भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर, क्रिप्टो वैलेट्स को लेकर, क्रिप्टो कॉइन्स को लेकर। सिमिलरली जब मैंने भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, कौन सी एक्सचेंज अच्छी है, कौन से वैलेट्स अच्छे हैं, कौन से कॉइन्स अच्छे हैं, दिस एंड डैट ब्ला ब्ला ब्ला। ये वीडियो है क्रिप्टो वैलेट्स के रिलेटेड कि आप कौन से वैलेट्स यूज़ करें, कौन से वैलेट्स अच्छे हैं, कौन से वैलेट्स यूज़ करने चाहिए किसी भी बंदे को जो क्रिप्टो करेंसी में न्यू है। ओवरऑल हमारे पास बहुत ज़्यादा वैलेट्स हैं, हमारे पास जिंको वैलेट है, हमारे पास टॉमिक वैलेट है, हमारे पास माइसीलियम है, हमारे पास इसी तरह का डीफाई वैलेट है, कॉइन ओमी है, और उसके साथ हमारे पास ट्रस्ट वैलेट है, हमारे पास मेटामास्क है। ये तो सारे हैं कस्टोडियल वैलेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड वैलेट्स की या हार्डवेयर वैलेट जो होते हैं, हमारे पास ट्रेजर है, लेजर है, इस तरह के पेपर वैलेट्स रहते हैं, पेपर वैलेट्स और जो ट्रेजर लेजर हैं हमारे पास कोल्ड वैलेट्स हैं, उन पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट ये वैलेट है आपके कस्टोडियल वैलेट्स की। अब इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें कौन सा वैलेट अच्छा है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमको इन वैलेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड देम। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई, कि हम लोगों को क्यों चाहिए ये वैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेल्फ कस्टडी है, क्योंकि कस्टोडियल वैलेट निकला ही कस्टडी से, आपकी सेल्फ कस्टडी है। वो एक फेरेज बोली जाती है ना कि आपकी अगर की नहीं है, आपकी मनी भी नहीं है, ओन कीज़ आपकी मनी है ओनली, देन ओनली। तो इसी तरह आपकी सेल्फ कस्टडी है। अभी सेल्फ कस्टडीज का क्या एडवांटेज है या क्या मुराद है इसकी, लास्ट टाइम आप देखें FTX एक्सचेंज थी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए थे और जो एक्सचेंज कोलैप्स हो गई, फ्रॉड हो गई, स्कैम हो गई, और उसी के साथ साथ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स ही लोगों के जो फंड्स थे उधर फंस के, कोई भी आदमी उसको विड्रा नहीं कर पाया। तो यही रीज़न होती है कि हम लोगों को सेल्फ कस्टडी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे कस्टोडियल वैलेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली जितने भी हमारे पास डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उनके लिए गेट है। अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस इंटीग्रेट कर रही हैं आपको डायरेक्टली, OKX काफ़ी टाइम से था, अभी बाइनेंस ने भी कर लिया, वेब थ्री का जो वैलेट है वो इंट्रोड्यूस कर लिया, बाकी एक्सचेंजेस भी हैं वो वेब थ्री के वैलेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली डीफाई और वेब थ्री की दुनिया में आप एंट्री ले सकते हैं। बट ये गेट हैं, जितने भी वैलेट्स हैं ये गेट हैं आपकी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, बेबी स्वैप है, बनाना स्वैप है, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्वैप्स हैं, उन पर एंट्री है। और जितने भी कॉइन्स हैं जो अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं, मतलब कि वो कूकॉइन पर भी नहीं है, OKX पर भी नहीं है, होबी पर भी नहीं है, गेट डॉट ओयो पर भी नहीं है और सुपरएक्स पर भी नहीं है, उन कॉइन्स को भी आप बाय कर सकते हैं मेटामास्क में और ट्रस्ट वैलेट में, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एडवांटेज है अदर देन जो जो सेल्फ कस्टडी है या गेट टू डीफाई या वेब थ्री है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप कोई भी कॉइन्स बहुत ही कम प्राइस पर इनिशियली आप बाय कर सकते हैं, जो ही वो कॉइन लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप पर, वहाँ से आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके वो कॉइन को आप जो भी नेटवर्क पर लिस्टेड है, BEP पर है या सोलानो पर है या फिर इथेरियम पर है या ट्रॉन पर है या किसी भी नेटवर्क पर है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है ये रहता है। और सेकंडली इन वैलेट्स के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। पहले हम लोग जो प्लस है वो चेक करेंगे क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिसएडवांटेजेस चेक करेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इसके कि आपकी जो कस्टडी है आपकी ओन रहेगी, आपकी ओन कीज़ रहेंगी, आपकी ओन मनी रहेगी, आपकी ओन मर्जी चलेगी कब विड्रा करना चाहते हैं, कब डिपॉजिट करना चाहते हैं, कोई भी सेंट्रलाइज उसको जो बॉडी है उसको कंट्रोल नहीं कर रही होगी, जैसे FTX है या बाइनेंस है या हूबी है या गेट डाटा है, आपके जितने भी विड्रावल्स हैं वो सेंट्रलाइज हैं, कंट्रोल्ड हैं, एक बॉडी है जो उनको कंट्रोल कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आप उनको खुद कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी खुद की कस्टडी में है और आपकी खुद की कीज़ हैं। ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिक्योरिटी कंसर्न एक तरह से कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी वैलेट क्रिएट करते हैं आपको आपकी कीज़ मिलेंगी, आपको आपकी सीड फ्रेज मिलेगी। इन केस अगर आपसे वो सीड फ्रेज गुम हो गई या आपसे मतलब कि किसी ने कॉपी कर ली, तो आपका वैलेट पूरे का पूरा वैलेट इंपोर्ट किया जा सकता है। जो बंदे यूज़ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी मालूम है, हम कभी भी वैलेट बनाते हैं तो उस समय हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप न्यू वैलेट क्रिएट करें या फिर आप कोई दूसरा वैलेट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है आप उसको इंपोर्ट करें। अगर ये मेरा वैलेट किसी के पास की होंगी तो पूरे का पूरा वैलेट वो कॉपी कर सकता है, पूरे का वैलेट उसके पास चला जाएगा, वो सारे के सारे फंड विड्रा कर सकता है, सेल कर सकता है या कुछ भी। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर कोई भी कॉइन आप बाई कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कि आप बाई कर रहे हैं, तो उसकी जो ट्रेडिंग फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है कंपेयर टू जो एक्सचेंजेस हैं।
तो इसलिए जो बंदे न्यू हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो बंदा अपने कॉइन्स किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक्सेस बाई किया, या फिर उसने केक बाई किया, या फिर उसने मतलब कि सोलानो बाई किया, कोई भी कॉइन बाई किया, तो उसको बाई करने के लिए हमेशा आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज होनी चाहिए, जैसे कि बाइनेंस है, OKX है, कूकॉइन है, या कोई भी एक्सचेंज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर बाई करने के बाद अगर यहाँ पर आप लाना चाहते हैं, कहीं स्टेक करना चाहते हैं, यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट बाइंग के लिए आपको हमेशा सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करनी चाहिए, जो कि फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो फीस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप जो आपका नेटवर्क है, BEP20 है, या कोई भी जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, सोलानो है, ट्रान है, कोई भी, अभी यहाँ पर आपको सारे के सारे BEP20 नज़र आएंगे, क्योंकि मेरा वैलेट है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्टेड है। तो आप जो भी जो नेटवर्क है उस पर ट्रेडिंग कर रहे होंगे या बाय एंड सेल कर रहे होंगे, तो उस नेटवर्क की आपको फ़ी पे करना पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है कंपेयर टू सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं उनके मुकाबले में। तो ये तो हो गया इन आवर व्यू वैलेट्स का, हमको वैलेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है या फिर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें कौन सा वैलेट बेस्ट है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा या मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप ओनली ट्रस्ट वैलेट यूज़ करें। मेटामास्क भी ओवरऑल गुड वैलेट है, बट यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मेटामास्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट ट्रस्ट वैलेट का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, न्यू बीज़ के लिए बेस्ट है। ओवरऑल दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ट्रस्ट वैलेट है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर BEP20 नेटवर्क पर रहेगा, और आपका जो मेटामास्क है वो इथेरियम बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम पर रहेगा। आप किसी भी नेटवर्क पर दोनों वैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कॉइन्स ऐड कर सकते हैं, और उसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर नेटवर्क्स भी ऐड कर सकते हैं। बट हमेशा हम लोगों को वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू एग्जीक्यूट हो, या इजी टू इंप्लीमेंट हो। तो जो ट्रस्ट वैलेट है उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, अपने कॉइन्स ऐड करेंगे, नेटवर्क्स ऐड करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और DeFi में या फिर आप जो Web3 है उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, वो सारी आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखें डिस्कवर वाले ऑप्शन में, और इसी के साथ साथ ब्राउज़र वाले ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। डायरेक्टली आप स्वैप कर सकते हैं एक कॉइन दूसरे कॉइन में, बट अगेन यहाँ पर फी रहेगी इसके लिए। तो ये तो हो गया इनका ओवरव्यू, आई होप के वीडियो का पर्पस क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके यूजेज के बारे में भी वीडियो बना लेंगे, अगर किसी बंदे को गाइडेंस चाहिए हुई। बट ओवरऑल कोई बंदा अगर मुझे पूछ रहा है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कस्टोडियल वैलेट यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रस्ट वैलेट इज़ द बेस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेफ। तो समझ लें कि आपकी खुद की कंट्रोल है मेटामास्क पर भी, जितने बाकी के वैलेट्स हैं आपके पास, बट यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और न्यू बीज के लिए बेस्ट है। बट सिक्योरिटी वाइज सारे के सारे वैलेट्स कस्टोडियल वैलेट सेम है। यहाँ पर आपको सीड फ्रेज मिलेगी, 12 डिजिट्स का आपको कोड मिलेंगे, और जिस बंदे ने भी सीरीज़ आपकी कॉपी कर ली या आपसे लीक हो गई तो वो आपका वैलेट कॉपी कर सकता है। तो कंसर्न यही है कि आप कभी भी जो सीड फ्रेज है उसको ऑनलाइन यूज़ सेव ना करें, बल्कि पेपर पर लिखकर 2-3 उसकी कॉपीज़ बनाकर आप अपने पास सेव करें फिजिकली, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका वैलेट, आपका मोबाइल गुम हो गया, आपका वैलेट डिलीट हो गया किसी भी रीज़न से, या आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो आप किसी मोबाइल में इसको दोबारा पूरे का पूरा वैलेट इम्पोर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। किसी बंदे को कोई क्वेश्चन रहा हो, कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।